परमार वंश के राजा उदयादित्य के प्राचीन महल पर निजी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया। इससे पुरातत्व प्रेमी नाराज है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड हटा दिया गया। क्षेत्र के ग्राम उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा उदयादित्य ने 10वीं शताब्दी में कराया था। कहा जाता है कि राजा उदयादित्य के द्वारा ही उदयपुर नगरी बसाई गई थी। 10वीं शताब्दी में ही निर्मित राजा का प्राचीन महल अब विवादों में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोपाल निवासी काजी सैयद इरफान अली ने इस महल के मुख्य द्वार पर निजी संपत्ति का एक बोर्ड लगा दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आने के बाद नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार के नेतृत्व में अमला ग्राम उदयपुर पहुंचा और फिर बोर्ड हटा दिया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि वह भूमि राजस्व विभाग के दस्तावेजों में शासकीय है और पुरातत्व विभाग की है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ग्राम उदयपुर के लिए पुरातत्व की भूमि थी, उस पर जो है निजी बोर्ड लगाने संबंधी सूचना मिली। एसडीएम साहब ने मेरे को बताया, मैं आज मौके पर गया तो मैं वहाँ पहुँचा तो उसके पहले जो है वो बोर्ड हट चुका था। तो वहाँ अंदर जो है उसमें काजी वगैरह कोई रहते हैं, स्कूल भी संचालित है, उन लोगों को हिदायत दी हमने। अभी तो वर्तमान में कोरोना की वजह से बंद है, परंतु उनको आगे भविष्य में चलाने के लिए मना दिया है। और इसके अलावा पुरातत्व की भूमि है, उसे पुरातत्व का बोर्ड भी लगवाया जाएगा। क्या मदरसा संचालन? हाँ, मदरसा संचालन अभी वर्तमान में नहीं है, पर पहले था। लेकिन सर वो उसके क्या है ये पूरा मामला सर? अब उन लोगों का कहना तो ये है, मैंने उनसे पूछा था भाई आप लोग क्यों रह रहे हो, साहब हमारा जो है पूर्व से पहले से चले आ रहे हैं और हम इसी जगह पर फिर दस बजे रह रहे हैं। तो हमने बोला भाई तुम जो है अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करो, किस आधार पर रह रहे हो? हमारे राजस्व रिकॉर्ड में ये जो है शासकीय आबादी के नाम से दर्ज है, अब आप किस आधार पर आप यहाँ आने वाले रहते हैं इसके आप हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।